दौरान मौत हो गई। 14 सितंबर को चंदपा थाना क्षेत्र के गांव भूलगढ़ी में युवती के साथ गैंग रेप किया गया था। इस भयावह घटना को अंजाम देने के बाद दलितों ने युवती को जान से मारने का प्रयास किया, यहां तक कि उसकी जीभ भी काट दी। तब से युवती का उपचार चल रहा था, जिसके बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे कल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया था और वहां कल इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवती की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं हाथरस पुलिस अलर्ट मोड पर है। युवती के गांव में फोर्स की तैनाती कर आला अधिकारी भी मौजूद हैं। थाना चंदपा क्षेत्र अंतर्गत घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में अलीगढ़ पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 14 सितंबर को 10:30 बजे पीड़िता के भाई सतेंद्र ने थाने पे आकर अपने हस्तलेख में एक तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। 9:30 बजे यानी कि जब वो थाने आया तो 1 घंटा पहले की घटना थी, और उसने कहा था कि जब उसकी बहन घास काट रही थी बाजरे के खेत में, तो एक लड़के ने, संदीप नामक लड़के ने आकर उसे जान गला दबा कर जान से मारने का प्रयास किया। तो सत्येंद्र पीड़िता के भाई की लिखित तहरीर पर पुलिस द्वारा तुरंत FIR दर्ज की गई